हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, यहाँ पर हम आपके लिए जैसा कि चैप्टर आपके लिए जो है चल रहा है दो चर की रैखिक समीकरण युग्म और एक्सरसाइज, अब हम आपके लिए इस वीडियो में बताने वाले हैं 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 शुरू हो चुकी है, जिसमें जो सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको कराएंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो क्या प्रश्न है? पहला, यहां पर देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको विलोपन विधि लगाना है, विलोपन विधि से हल कीजिए, विधि से हल कीजिए। तो यहां पर आपके लिए दो समीकरण दी होंगी और उनको विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। तो पहला समीकरण हम लिख लेते हैं, समीकरण युग्म, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 4, यह समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करना है हमें, इनको हल करना है। कैसे करेंगे? विलोपन विधि से, यानी हमें एक चर को काटना है। एक चर को काटने के लिए देखिए, समीकरण एक है और यह समीकरण दो है, तो समीकरण एक को मुझे गुणा करनी पड़ेगी दो से, तभी आपके पास x कट पाएगा। तो मैं लिख लेता हूं x प्लस वाई बराबर में 5। अब मुझे इस समीकरण में दो से गुणा करा देनी है, तो भाई मैं दो से गुणा करा रहा हूं, दो की गुणा x से होगी तो 2x हो जाएगा, प्लस दो की गुणा वाई से होगी तो 2y हो जाएगा, और बराबर में दो की गुणा 5 से होगी तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास समीकरण ये आ गई 2x + 2y = 10, और जो पहली समीकरण थी यहां पर ये वाली, ये दूसरी समीकरण, इसको लिख लो 2x - 3y = 4, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहां पर इस तरीके से हम यहां पर लाइन खींच देंगे और माइनस कर देंगे, इसको 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 माइनस कर रहे हैं, तो 2x में से 2x चला जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा यानी कट जाएगा, और यहां पर 2y और माइनस का माइनस प्लस हो गया, 3y और 2y मिलकर के 5y हो गया, और बराबर में 10 में से 4 चला गया तो हमारे पास बचा है 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो y का मान यहां पर हो गया 6/5। अब हमें x का मान निकाल लेना है, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस y बराबर 5, इसमें y का मान रख देते हैं, तो x प्लस y का मान है 6/5 बराबर में हो गया आपके लिए 5, तो x बराबर 5 - 6/5। तो यहां पर x का मान निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, 5 की गुणा 5 से हो जाएगी, तो 5×25 माइनस का 6 और बटे में 5, तो x बराबर हो जाएगा 25 में से यहां पर ये 6 चला जाएगा, तो यहां पर आप देख लीजिए 15 में से छोगे आपके 9 और यहां पर बचा 1, 19 और बटे में 5, तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान 6/5, तो दोनों वैल्यू यहां पर आ गई हैं, x का मान 19/5 और y का मान आ गया आपके लिए 6/5, तो दोनों मान यहां पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमें विलोपन विधि का यूज करके x और y का मान निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहां पर दूसरी समीकरण की, दूसरी समीकरण देखिए क्या है, दूसरी समीकरण है 3x + 4y = 10, ये एक समीकरण दी गई है, अगली है 2x - 2y = 2, ये दो समीकरण आपके लिए दे रखे हैं और इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? विलोपन विधि से। तो हमें x को काटना पड़ेगा। अच्छा, x को काटने के लिए यहां पर हमें इसको बराबर करने के लिए किस नंबर से गुणा करी जाए, तो यहां पर हम 3 से करेंगे और इस पहली समीकरण को हम करेंगे 2 से। किससे करेंगे? 2 से। तो 2 × 3 = 6x और 2 × 4 = 8y
और बराबर में 2 दशमलव 20 ये आ गया। इसी तरीके से 3 से करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे और माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 6x में से 6x यहाँ कट जाएगा, 8y और यह माइनस का यहाँ पर जुड़ गया, प्लस हो जाएगा, 8 और 6 14, तो 14y बराबर में 20 में से 6 चला जाएगा यहाँ पर, तो ये भी आपके लिए बचेगा 14, तो y बराबर हो जाएगा 14/14, ये कट जाएगा और y का मान आ जाएगा हमारे पास 1, तो y का मान 1 आ चुका है। अब क्या करेंगे, y का मान जो आया है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण पहली है 3x + 4y = 10, आपके लिए y का मान रख देना, y का मान है 1, तो 3x + 4 × y = 1 = 10, तो 3x + 4 × 4 = 10, तो 3x = 10 - 4, तो 3x = 10 में से 4 गए यहाँ पर, बचा आपके लिए 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, तो x का मान हमारे पास आ चुका है 2, तो 2 वैल्यूज आ गई हैं, x = 2 और y = 1, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो चुका है। अब बात करेंगे हम समीकरण जो है दूसरा प्रश्न, इसका दूसरा पार्ट हो गया, तो तीसरे पार्ट की बात करेंगे। तीसरा पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से, तीसरे पार्ट में जो इक्वेशन लिखी हुई है वो 3x - 5y = 4 और दूसरा लिखा है 9x = 2y + 7। तो यहाँ पर देखिए हमें दूसरे समीकरण को सही करना पड़ेगा, 2y को इधर लाना पड़ेगा, तो मैं लिख लूँगा समीकरण 2 को सही तरीके से लिखना, तरीके से लिखना या लिखने पर, तो समीकरण को सही तरीके से लिखेंगे 9x, 2y को इधर ले आएंगे माइनस का 2y और बराबर में आपके लिए आ जाएगा 7। पहले समीकरण जो लिखी हुई है उसको भी लिख लेते हैं, 3x - 5y और बराबर में आपके लिए है 4। अब इन दोनों समीकरणों में एक वेरिएबल को काटेंगे, तो एक वेरिएबल को काटने के लिए हमें इसको 9 करना पड़ेगा, तो हम इस समीकरण में 3 से गुणा करा देंगे, तो लिखा है 9x - 2y = 7, 3 × 3 = 9x, 3 × 5 = 15 - 15y और 3 × 4 = 12, ये हो गया। इस तरीके से लाइन खींच देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो देखो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 2y और ये प्लस का 15 हो गया, 15 में से 2 चला जाएगा आपके लिए, तो यहां पर आपके लिए बचेगा 13 और 22, प्लस का 13y बचेगा और बराबर में यहां पर देखिए माइनस का 12, 12 में से 7 चला जाएगा, तो आपके लिए बचेगा यहां पर माइनस का 5 बचेगा, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा आपके लिए -5/13, तो y का मान आ गया आपके लिए -5/13, इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से 3x - 5y = 4, तो 3x - 5 × y का मान है -5/13 = 4, तो 3x - 5 = 25 + 25 हो जाएगा 13/4, तो गुणा करा देंगे यहाँ पर 13 × 3 = 39 और x + 25/13 और बराबर में हो गया आपके लिए 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे और यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो 39x + 25 = 13 की गुणा करा देंगे इससे 4 से, तो लिखेंगे 39x
बराबर 13 × 4 माइनस का 25, 25 इधर आ जाएगा, तो 39x बराबर, यहाँ पर गुणा कर लो, 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4 और 1 = 5 माइनस 25, घटा लेंगे माइनस 25, देखो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27, तो 27 आ गया आपके लिए, x बराबर आ जाएगा 27 और बटे में आ गया आपके लिए 39। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो x का मान आ गया 27/39 और y का मान आ गया माइनस का 5/13, तो दो वैल्यू जिस तरीके से यहाँ पर आ गई हैं। अब इसका चौथा पार्ट बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपके लिए कराते हैं चौथा पार्ट। देखिए स्टूडेंट, अब आपके लिए यहाँ पर चौथा पार्ट कराएंगे और चौथा पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पार्ट है वो चौथा पार्ट है। देखिए क्या है लिखा है, एक्स बटा दो और प्लस 2y/3 बराबर में लिखा है माइनस का 1। इसके बाद लिखा है x माइनस y/3 बराबर में 3, ये लिखा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें विलोपन विधि जो यूज कर रहे हैं उसमें हमें वेरिएबल को काटना होता है, एक वेरिएबल को। तो आप देखें यहाँ पर x बटे दो है, यहाँ पर खाली x है, तो इसको काटने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/2 से गुणा कर दूंगा, पूरी समीकरण को 1/2 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए x बटा दो माइनस 2 × 3 से हो जाएगा 2 × 3 = 6, तो माइनस का 2/6 और बराबर में 1/2 × 3 से भी हो जाएगी, तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आ गया x बटा दो माइनस 2/6 बराबर 3/2, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब आपके लिए दूसरी समीकरण जो पहली समीकरण थी उसको लिख लो, x बटा दो प्लस 2y/3 बराबर में माइनस का 1, ये है। तो यहाँ पर आप देखिए माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, x बटा दो है, प्लस माइनस है, ये ख़त्म, माइनस का 2y/3 होगा, ये भी माइनस का है, तो मैं लिख देता हूँ माइनस का 2/6 और माइनस का 2y/3 बराबर में, यहाँ 3/2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3/2 और प्लस का 1, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 एलसीएम ले लिया, 3 × 2 से गुणा करा दी, यहाँ भी करा दी, तो माइनस का 2 और 2 × 2 = 4 माइनस का 4y और बटे में 6 बराबर में, यहाँ पर देखिए 3 + 2 = 2 और बटे में 2, तो 4y और y मिलकर के कुल y हो गया, यहाँ पर माइनस का 5y बटे में 6 बराबर में 3 + 2 = 5 और बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y का मान निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 5 और 2 जो है वो नीचे चला जाएगा, 5 और 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और 5 × 6 जो है वो नीचे यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए y का मान हमें निकालना है, 5 से 5 तो कट जाएगा, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, बचा हमारे पास है 6/2, तो y बराबर हो जाएगा 2 × 2 = 2 × 3 = 6, यानी y का मान 3 आ गया। अब ये जो y का मान 3 आया है उसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तभी हमें x का मान प्राप्त होगा, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखा है x बटा 2 प्लस 2 × y का मान 3/3 बराबर में माइनस का 1, तो x बटा 2 प्लस 2 × 6/3 बराबर में माइनस का 1, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, तो x बटा 2 बराबर प्लस 2 बराबर माइनस का 1, तो x बटा 2 बराबर माइनस का 1 और 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बटा 2 बराबर माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 × 2 यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 6, तो x का मान माइनस 6 आ गया। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक तो x बराबर माइनस 6 आ गया और 1 बराबर आ गया 2 बराबर 3,
तो दो मान आ चुके हैं। इस तरीके से आपके लिए जो पहला प्रश्न था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरे प्रश्न में कई पार्ट हैं, तो यहाँ पर जो पार्ट हम करा रहे हैं वो आपके लिए पहला पार्ट कराएंगे। तो पहला पार्ट यहाँ पर हम कराएंगे, ध्यान से देखिए। प्रश्न ये है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश और हर का प्रश्न है, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक भिन्न मान लेंगे और इस भिन्न का मान यहाँ पर है एक्स बटे में वाई, यानी एक्स का मान जो है वो अंश है और वाई है वो हर है, अंश और हर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे बोला गया यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो अंश में एक जोड़ देते हैं यानी x प्लस वन और बटे में, और हर में से एक घटा देते हैं तो यानी y माइनस वन। तो इसका जो भिन्न हो जाता है वो एक में बदल जाता है, एक हो जाता है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, इसके बटे में एक मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस वन और गुणे में वन बराबर एक गुणा वाई माइनस वन, ये हो गया। तो यहां पर आ जाएगा आपके लिए x प्लस वन बराबर में वाई माइनस वन, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x y को इधर ले आओ, माइनस का y बराबर में माइनस का वन, और ये वन उधर चला जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा। इस तरीके से x माइनस वाई और बराबर में माइनस एक माइनस एक माइनस का दो हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको हमने समीकरण नंबर एक मान लिया है। अब बात करते हैं इसके अगली बात, तो अगली बात कही जा रही कि यदि हर में एक जोड़ दें, और दूसरा कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें जो या एक बटे दो हो जाती है तो भिन्न क्या होगी। ठीक है, तो यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो यह एक बटे दो हो जाती है, तो हम x बटे हर में एक जोड़ देते हैं, बाई प्लस वन हो गया। तो यदि हर में एक जोड़ दें जो या एक बटे दो हो जाती है, यानी भिन्न हो जाती है एक बटा दो, ये हो जाती है। और हमें इसको सॉल्व कर लेना है, देखिए x की गुणा दो से होगी तो दो एक्स हो जाएगा बराबर में बाई प्लस वन, बाई प्लस वन हो गया। इसी तरीके से देखिए दो एक्स बाई को इधर ले आएंगे, माइनस का बाई और बराबर में हो गया आपके लिए एक, समीकरण नंबर हो गया आपके लिए दो। अब इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व करेंगे, तो समीकरण एक से हम x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक से x का मान, समीकरण एक से x का मान निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर लिखा है माइनस का दो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का दो और y उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y। ये x का मान आ गया बेटा। अब x का मान हम समीकरण नंबर दो में रख देंगे, तो समीकरण जो दो है लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रख देंगे x का मान, तो हमारे पास दूसरी समीकरण है दो एक्स और माइनस वाई बराबर में वन, ये है। तो दो गुणे एक्स का मान है हमारे पास माइनस का दो और प्लस का y और माइनस का y बराबर में एक हो गया। तो यहां पर गुणा करेंगे, दो दूनी चार, माइनस का चार प्लस दो की गुणा y से होगी तो हो जाएगा दो y और माइनस का y बराबर में हो जाएगा एक। तो माइनस का चार प्लस दो बाई में से बाई चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा आपके लिए बाई और बराबर में हो गया वन। तो वाई बराबर हो जाएगा वन प्लस चार उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी बाई बराबर हो जाएगा चार और एक पांच। अब हमारे पास वाई का मान आ गया है पांच, तो हम एक्स का मान निकाल सकते हैं और वाई का मान पांच जो है वो समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, समीकरण एक में रख देंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर में माइनस का दो और y बराबर पांच रख देते हैं तो x माइनस पांच बराबर में माइनस दो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस दो और पांच उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा।
तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा आपके लिए 5 में से 2 चला जाएगा, तो 5 में से जब 2 जाएगा तो आपके लिए हो जाएगा 3। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो x बराबर 3 और एक बराबर हो चुका है आपके लिए y बराबर 5। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है ना, x बराबर 3 और y बराबर 5, जो कि हम यहाँ पर अगर रख देते हैं तो हमारे पास ये भिन्न जो है प्राप्त हो जाती है, यानी x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो ये भिन्न हो गए हमारे लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, दूसरा प्रश्न है तो दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरे का दूसरा पार्ट लिखा है, प्रश्न हम पढ़ देते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर मैं दो नाम दिए गए हैं यहाँ पर मान लूं, एक है नूरी और एक है सोनू, तो इनकी आयु लिख लेते हैं, इसकी x वर्ष मान लेते हैं और इसकी y वर्ष मान लेते हैं, x और y। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु के 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले 3 गुनी थी, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 3y, 3 गुनी के लिए x बराबर 3y। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 3y और बराबर में यहाँ पर अभी मान के चलेंगे 0, ऐसा मान के चलेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात कह रहे हैं और 10 वर्ष पहले ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी x माइनस 3y प्लस 10, क्योंकि 10 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 10 वर्ष लिख करके 0 कर देंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ऐसे ही अगला कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी है, तो अब 2 गुनी हो गई, यानी x बराबर लिख लो अब 2y, तो 2y को लाना पड़ेगा, x माइनस 2y को इधर ले आओ और माइनस का 10 बराबर में 0, एक घटेगा और एक जुड़ेगा, एक घटेगा और एक जुड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो समीकरण बनेंगी ये दो बन जाएंगी, x माइनस 3y प्लस 10 और x माइनस 2y माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके लिए क्या करना है, अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, ये दो समीकरण है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या है समीकरण हमारे पास, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3y उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 भी उधर चला जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 3y माइनस 10। और ये जो x का मान आया 3y माइनस 10, वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान रख दो यहां पर सीधे 3y माइनस 10 और माइनस का 2y माइनस का 10 बराबर में 0। तो यहां पर देखें 3y में से 2y चला जाएगा तो 1y बचेगा और माइनस का 10 बराबर में 0, तो y माइनस 10 और 10 मिलकर के 20 हो जाएंगे, माइनस के रहेंगे, तो y माइनस 20 बराबर 0, तो इसलिए लिख सकते हैं y बराबर 20। तो यहाँ पर हमारे लिए y बराबर 20 आ चुका है, दो वैल्यू जा गई हैं, एक तो x का मान आ चुका है हमारे पास, अब y का मान आ गया तो x का मान यहाँ से निकाल लो, तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 10, तो x बराबर 3 गुणे y का मान आ गया 20 और माइनस 10, तो x बराबर हो गया 3 दूनी 6 यानी 60 माइनस 10, तो x बराबर हो गया आपके लिए 50। तो ये x और y का मान आ गया है, एक x का मान 50 आया है और y का मान आया है आपके लिए 20, तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर हो चुका है। देखिए यहाँ पर बच्चों, अब आपके लिए हम आपका थर्ड पार्ट कराते हैं, दूसरे का थर्ड पार्ट। तो जो दूसरे का थर्ड पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है, लिखा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मैं सबसे पहले दो अंकों की संख्या मानता हूं, दो अंकों की संख्या क्या होगी। अच्छा, दो अंकों की संख्या कैसे मानेंगे, एक x, एक मान ले यहां पर y है और एक x है, तो y x अगर हमने मान लिया ये डिजिट है, ये दो अंकों की संख्या के अंक हैं, तो x जो है वो इकाई स्थान पर है और y जो है वो दहाई स्थान पर है।
तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं x तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इकाई स्थान का है और दहाई स्थान का 10 से गुणा कर जाएगा तो हो जाएगा 22 × 10, यानी 10y + x इसका मान हो गया। यानी जो दो अंकों की संख्या है वो 10y + x रहेगी, ठीक है। और कह रहा है इनके अंकों का योग जो है वो 9 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब अंक है हमारे पास x और y, तो इनका जो योग है यानी x + y ये है 9 समीकरण नंबर 1। अब यहां पर जो दूसरी समीकरण है वो क्या है हम आपके लिए बताते हैं, बनेगी कैसे बनेगी। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या को 2 गुना हो जाता है, यानी इस संख्या का 9 गुना, तो 9 × 10y + x। और जो संख्या उलट देते हैं, जब संख्या का मान उलट देंगे यानी उलटने पर जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 10x + y, क्योंकि इनका अंतर हो जाए बदल जाएंगे, ये एक्स वाई लिखा है, वाई एक्स लिखा है तो एक्स वाई हो जाएगा, तो इनका 2 गुना है तो मैंने 2 गुना कर दिया 10x + y। ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9.90y + 9x = 2.20x + 2y, तो 90y, और ये जो है 2y इधर ले आओ, 2y इधर आ गया, और बराबर में 20x, और 9x उधर चला गया माइनस का 9x, तो 9y, और यहाँ पर देख सकते हैं 9y, यहाँ पर 90y और 2y, तो घटा लेंगे आपके लिए, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बचा 8, 88y, और बराबर में ये बचा 20x और 9x मिल करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आप, ये हो जाएगा आपके लिए 20x और यहाँ पर 9, तो 11x बचेगा आपके लिए, 11 और x, 11x, तो y बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 11x/88, ये लिख सकते हैं। अब इसका मान काट देंगे, देखिए 11 × 11 और 11 से 8 बार में यह कट जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा हमारे पास x/8। तो जब हमारे पास y बराबर x/8 आ गया है तो हम ये y का मान समीकरण नंबर 1 पर रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे x + y का मान है x/8 और बराबर में हो गया आपके लिए 9, तो ये हो जाएगा 8x + x/8 = 9, तो 8x और 1x मिलकर के 9x हो गया, 8 = 9, तो x का मान निकाल लेंगे यहां पर, तो x बराबर हो जाएगा 9 नीचे चला जाएगा 9 × 8, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x का मान 8 आ गया, तो x का मान यहाँ पर 8 आ गया, तो y का मान भी निकाल सकते हैं, और y का मान है x/8, तो y बराबर हम लिख सकते हैं x/8, यानी x का मान है 8, तो y बराबर हो जाएगा 8/8, यानी y का मान आ गया 1, ठीक है, y का मान 1 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों संख्या लिख सकते हैं, x का मान 8 आया है और y का मान 1 आया है, और इनका अगर सम की बात की जाए तो 9 ही आ जाएगा, यानी 8 + 1 = 9। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम चौथ में पार्ट की, तो चौथा जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए चौथा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है हम आपके लिए प्रश्न बताते हैं और फिर देखना आप कितना, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। लिखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, और कुल 25 नोट प्राप्त किए, कुल मिलाकर के 25 नोट उन्हें मिले। तो यहां पर हमें देखिए कैसे प्रश्न को करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मान लेंगे 50 रुपए के नोट, तो जब हम 50 रुपए के नोट मानेंगे और वो हमने मान लिए x मैंने मान लिए 50 रुपए के नोट है, और 100 रुपए के नोट यहां पर हमने मान लिए y है,
तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 50 रुपए के नोट को एक्स मान लिया और 100 रुपए के नोट को हमने वाई मान लिया, ये बात आप समझ गए। अब देखिए यहां पर बोला गया कुल नोट उसको 25 प्राप्त हुए, तो इसका मतलब हुआ 50 रुपए के जितने भी नोट मिले होंगे, 100 रुपए के जितने भी नोट मिले होंगे, तो यहां पर उनका जो जोड़ है वो कितना है, 25 है, यानी नोटों की संख्या का योग 25 है। तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 25, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25 हो गया। तो इस तरीके से यहां पर आप देखिए कुल जो रुपए निकाल कर आए हैं वो कितने आए हैं, कुल रुपए निकाल के लाए हैं 2000 रुपए निकाल के लाए हैं। तो इसको तो हम समीकरण नंबर एक मान लेंगे। इस तरीके से यहां पर देखिए 50 रुपए का नोट x है तो मैं लिखूंगा 50, और x नोट है तो 50x, और प्लस 100 रुपए के जो नोट है वो बाई है तो 100 बाई, और बराबर में उनका जो टोटल योग है वो 2000 रुपए है। कितना है, 2000 रुपए। अब ये हमारे पास समीकरण नंबर बन गई दो, ये समीकरण नंबर दो बन गई, ये समीकरण नंबर एक बन गई। अब इन दोनों समीकरणों का हमें हल करना पड़ेगा, एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें मेथड तीन होते हैं, तीनों में से एक मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर हम सबस्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं या यहां पर एलिमिनेटिंग मेथड लगा देते हैं, कोई भी मेथड आप कर सकते हो। जो सबसे सरल पड़ता है वो एलिमिनेटिंग मेथड पड़ता है, तो हम एलिमिनेटिंग मेथड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, देखिए यहां पर लिखा है 50x और यहां पर x है, तो मुझे इसको 50 बनाने के लिए इस समीकरण एक को 50 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, 50 से गुणा। तो मैं समीकरण लिख रहा हूं पहली वाली को गुणा करके, 50x प्लस 50y बराबर में 25 का इससे गुणा हो जाएगा, 25 का इससे, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, 25 गुणा 50, ये लिख दिया। अब यहां पर मैं लिखूंगा 50x प्लस 50y बराबर में, यहां पर गुणा करा लेंगे, 25 का 5 और हासिल लगा 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, और यहां पर एक जीरो है तो मैंने एक जीरो लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये 50x 50y 125 और जीरो आ गया, और समीकरण नंबर दो हमारे पास क्या था उसको लिख लो। तो है ये समीकरण 50x प्लस 100y बराबर में 2000, ये है। अब इसको यहां पर ऐसा करके काटेंगे, माइनस माइनस माइनस, 50x प्लस का 50x माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। तभी यहां पर हमारे पास देखो 100y में से 50y चला जाएगा, तो 50y बचेगा वो भी माइनस का, तो माइनस का 50y बराबर, ये 2000 लिखा और ये 1205 50 लिखा है, मैं घटा देता हूं, 2000 माइनस 1250। तो यहां पर देखिए घटाएंगे जीरो तो ऐसे ही रहेगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, और यहां पर आपके लिए बचा है 9, 9 में से 2 गया 7, और यहां कुछ नहीं बचा, 750 आपके लिए यहां पर आ गया। तो 750 लिख दिया हमने। अब बाई बराबर यहां पर निकालेंगे और ये माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्या है ज्यादा, तो यहां लिखेंगे माइनस का 50y बराबर में माइनस का 750, ये लिख दिया। तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 750 और बटे में हो जाएगा माइनस का 50, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 75 बटे में 5, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, और यहां पर आपके लिए बचा 2, 25 और 25, तो बाई बराबर आ गया हमारे पास 15। अब ये बाई का जो मान आया है 15, वो हम समीकरण नंबर एक में डालेंगे तभी हमें यहां पर एक्स का मान प्राप्त होगा। तो बाई का मान 15 डाल देते हैं समीकरण एक में, तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से हमारे पास समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर में आपके लिए लिखा है 25, क्या लिखा है 25, x प्लस वाई बराबर 25। तो यहां पर y का मान रख दो 15, तो x प्लस वाई का मान है 15 बराबर में हो गया आपके लिए 25, तो यहां पर x बराबर हो जाएगा 25 और माइनस का 15,
तो x बराबर हो जाएगा 25 में से यहाँ 15 चला जाएगा, तो ये आपके लिए बचेगा आपके लिए 10, कितना बचेगा 10 बचेगा, और यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। x का मान 10 है और y का मान यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर नोटों की संख्या आ गई 50 के 10 नोट होंगे और y बराबर 15 का मतलब है जो 100 के नोट होंगे वो 15 नोट होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा प्रश्न हल हो चुका है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपके लिए दूसरा सवाल का पांचवा पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो हम आपके लिए यहाँ पर पांचवा पार्ट बताते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए यहाँ पर, और इस चीज को सीखेंगे कि कैसे सवाल को करना है। तो सवाल हम बता देते हैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ के, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया जो है वो नियत है, यानी एक जैसा रहता है 3 दिनों का किराया, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है, तो इस सवाल को हमें करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि कौन सा सवाल है, आप बुक में देख सकते हैं, और हम आपके लिए सीधे यहाँ पर सवाल को जो है करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया तो प्रथम 3 दिनों का जो हम किराया मान लेते हैं वह x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं x किराया मान लेते हैं। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है, तो अतिरिक्त दिन मान के चलेंगे 22 लग रहा है, तो मैं लिखूंगा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया लिखेंगे तो वो हम मान के चल रहे हैं कि 22 लग रहा है, कितना लग रहा है 22। अगर अतिरिक्त दिन का किराया 22 लग रहा है तो इस हिसाब से अगर मैं कह सकता हूं कि हमें कितने दिन के लिए लेना है पुस्तक को, तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। अब वो 7 दिन जो है, सरिता नाम की लड़की इसमें है, 7 दिन के लिए पुस्तक को लेती हैं, तो 7 दिन अगर लेंगी 3 दिन का तो किराया पहले से ही जा रहा है, बचे कितने दिन 7 - 3 चार दिन बचे, तो 4 दिन के लिए यहां समीकरण हो जाएगी, x तो किराया फिक्स है और प्लस 4y बराबर में कुल रुपए ये देती हैं 27, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात आगे सुनिए, लिखा है कि जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए 5 दिनों तक, तो 5 दिन अगर हम बात करेंगे 5 दिन के लिए, तो 5 में से 3 घटा दो आप तो कितना बचा 2 दिन बचा, तो 2 दिन के लिए लिख लो x प्लस 2y बराबर में कुल कितने रुपए दिए इन्होंने, तो इन्होंने दिए ₹21 दिए, ये समीकरण नंबर हमने 2 मान ली है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे किस विधि से, इलिमिनेटिंग मेथड से हल कर लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 x प्लस 4y और बराबर में 27, और यहां लिखेंगे x प्लस 2y बराबर में 21, और हम इसको माइनस कर देंगे, यहां माइनस x से x कट गया, तो 4y में से 2y चला गया, तो बचा आपके लिए 2y और बराबर में 27 में से 21 चला गया यहां पर, क्योंकि माइनस का हो गया, तो आपके लिए बचेगा 6, वो भी प्लस का, तो 22 बराबर हो गया आपके लिए 6/2 और 2 * 3 = 6, तो यानी 22 बराबर हो गया आपके लिए 3। ये जो 22 का मान 3 आया है, तो क्या करेंगे, 22 का मान जब 3 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, x का मान आ जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे y का मान, समीकरण 1 में रखने पर y का मान, तो हमारे पास समीकरण है x प्लस 4y, 4 गुणे y का मान हमारे पास है 3 बराबर में 27, तो x प्लस 4 * 3 = 12 बराबर में 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 और माइनस का 12, तो x बराबर हो जाएगा आपके लिए 27 में से 12 घटा देंगे, तो 7 में से 2 गया आपके लिए बचा 5 और 2 में से 1 गया 1, 15,
तो x का मान 15 आ गया, यानी x का मान हमारे पास आ गया है 15 और y का मान आ गया हमारे पास 3, तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे इस तरीके से। तो x और y का मान यहाँ पर आ गया, ये आपके लिए जो है किराया निकल आया है, जो बुकों का किराया, जो पुस्तकालय का किराया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए कराते जा रहे हैं, और लगातार हमारी वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें आपको बहुत ही अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं, है ना। तो आप इसी तरीके से लगातार वीडियो देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हम कराते हैं सभी एक्सरसाइज के, और इसी तरीके से लगातार आप मैथ को सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।